नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। दोस्तों, आज हम एक और पेंशन से रिलेटेड एक जजमेंट है वो लेकर आए हैं जो कि माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने दी थी। और इस पिटीशन में इस केस में क्योंकि जो पेटिशनर है वो काफ़ी लंबी सर्विस उन्होंने दी थी लेकिन वो सर्विसेज अडॉप्ट थी तो स्टेट ने पेंशन का जो क्लेम है वो रिजेक्ट इस ग्राउंड पे कर लिया कि पेटिशनर ने कि जो सर्विसेज है वो अडॉप्ट थी, वो रेगुलर सर्विसेज नहीं थी। लेकिन माननीय कोर्ट ने पेटिशनर को रिलीफ दी इस ग्राउंड पे कि एक तो वो पेंशनेबल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए अडॉक सर्विसेज को एज ए क्वालिफाइंग सर्विसेज गिना जाए और पेंशन उनको मिल जाए। और आइए अब हम इसके जो ऐसे कंटेंट्स हैं उस पर देखते हैं क्या किस तरह का जजमेंट आया है। ये एक गुजरात हाईकोर्ट का अहमदाबाद का रेगुलर स्पेशल अपील 19042 ऑफ 2017 का ये सिंगल ऑनरेबल सिंगल जज का जो जजमेंट है, इसमें पटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 7/5/2019 को ये जजमेंट आई थी। और यहाँ पर आप देखिए कंटेंट्स पे चलते हैं जजमेंट के। और यहाँ पर बताया कि पटिशनर ने यहाँ आर्टिकल 226 को इन्वोक किया था, मतलब मीन्स एक रिट पटिशन फाइल की थी, मतलब एक तरह स्पेशल सिविल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ये जॉइंट डायरेक्टर ऑफ कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ऑर्डर को सेट असाइड की प्रेयर की थी। और पेटिशनर एज एन असिस्टेंट लेक्चरर क्लास 3 की पोस्ट पे अडॉक बेसिस पर अपॉइंट हुए थे। चूंकि उनकी सर्विसेज रेगुलराइज नहीं हुई थी तो इसलिए उनकी जो प्रेयर थी वो रिजेक्ट कर दी थी जॉइंट डायरेक्टर ने कि पेटिशनर एलिजिबल नहीं है पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। आप यहाँ पर फैक्चुअल मैट्रिक्स ये कहता है कि पेटिशनर की जो अपॉइंटमेंट है वो 9 मई 1993 को हुई थी एज एन असिस्टेंट लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लास 3 सो पे स्केल पे और अंडर रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 जिस कॉलेज में कर रहे थे उन्होंने एक लेटर था एड्रेस किया था कमिश्नरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को 1 सितंबर 1987 को कि पेटिशनर को अपॉइंट किया जाए ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। और पेटिशनर है वो 4 साल से काम कर रहे हैं पोस्ट पे और उस रिक्वेस्ट को पेटिशनर ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको अपग्रेड कर दिया जाए फॉर द पोस्ट ऑफ मतलब असिस्टेंट लेक्चरर से लेक्चरर की पोस्ट पर अपग्रेड कर लिया जाए और रेगुलराइजेशन की रिक्वेस्ट की थी। और अपनी सारी कॉरेस्पॉन्डेंसेस उन्होंने बताई और एक रिट पटिशन भी फाइल की थी पटिशनर ने पहले माननीय गुजरात हाईकोर्ट में रेगुलराइजेशन के लिए प्रेयर की थी लेकिन पटिशनर को रिलीफ नहीं मिली थी क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज उमा देवी 2006 सब पार्ट 5 SCC 1। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट के बेसिस पे पटिशनर को रिलीफ नहीं दी थी। और 2 फरवरी 2011 को सर्विसेज थी पेटिशनर की वो टर्मिनेट कर दी थी कि इस ग्राउंड पर टर्मिनेट कर दी कि वो एक एडॉक लेक्चरर है। और दूसरा एक ग्राउंड ये उठाया था कि टर्मिनेशन का कि जो डिसीजन आया था रेगुलराइजेशन का वो पेटिशनर के अगेंस्ट में आया तो उसको फिर पेटिशनर को कॉन्टेस्ट किया था रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने एफिडेविट इन रिप्लाई इस ग्राउंड पे कि पेटिशनर जो अपॉइंटमेंट है वो अडॉप था वो टेम्प्रेरी बेसिस पर था इसलिए वो जो पेंशन के लिए एंटाइटल नहीं है। जो यहाँ पर उन्होंने एक पटिशन फाइल किया उसको अपोज किया रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने। और यहाँ पर बताया क्या स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 2004 में या कि जो एप्लीकेशन जो उन्होंने पहले फाइल की थी रेगुलराइजेशन की वो डिसमिस हो गई थी इसलिए जो क्लेम है यहाँ पर जो पेंशन का जो क्लेम कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली रिजेक्टेड हो जाना चाहिए क्योंकि इनकी जो पहले रेगुलराइजेशन की पिटीशन डिसमिस हो गई थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो रिजेक्शन था क्लेम ऑफ रेगुलराइजेशन का उसका कोई एडवर्स बेयरिंग नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर पिटीशनर
पेंशन का क्लेम कर रहे हैं, और जो एंटाइटलमेंट है पेंशन की पेटिशनर की वो अराइजेज होते हैं रेलिवेंट रूल्स से। तो इसलिए कोई ऐसा प्रोफेसिंग कंक्लूजन नहीं है कि रेगुलराइजेशन नहीं हुआ तो इसलिए ये यहाँ पर इस पेटिशन को एंटरटेन ना किया जाए। अब रूल 25 के बारे में बताया, गुजरात सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2002, जो कि रूल 25 क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में बताते हैं, जो कि वो सारे रूल्स क्वालिफाइंग सर्विसेज के वो सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो प्रोबेशन पे होती हैं, लेकिन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में होनी चाहिए किसी भी कैपेसिटी पे हो, चाहे टेम्प्रेरी हो, परमानेंट हो, इंटरप्टेड हो और कंटिन्यूस हो, लेकिन वो सब ना इंक्लूड हो जो कि नॉन पेंशनेबल इंस्टीट्यूट पे हो, या फिर वो सर्विसेज कॉन्टीजेंसीज पे हो, या फिर डेली रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट पे हो। ये सारी सर्विसेज है वो काउंटेबल नहीं है पेंशनेबल इंस्टीट्यूट पे, मतलब पेंशन के लिए नहीं, ये सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि रूल 25 पार्ट 1 क्वालिफाइंग सर्विस के लिए बताता है, जो कि सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, चाहे वो रेंटेड हो फॉर प्रोबेशन में, चाहे किसी भी कैपेसिटी पे हो, चाहे टेम्प्रेरी हो, परमानेंट हो, चाहे इंटरप्टेड हो, या फिर कंटिन्यूस हो। तो लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विसेज वो इंक्लूड नहीं होंगी जो कि नॉन पेंशनेबल इंस्टीट्यूट पे हो, या फिर कंटीजेंसीज पे हो, या फिर डेली रेटेड एस्टेब्लिशमेंट पे हो। तो यहाँ पर अब एम्फसाइज किया उन्होंने कि जो टेम्प्रेरी, क्या टेम्प्रेरी, परमानेंट, इंटरप्टेड और कंटिन्यूस जो लैंग्वेज पे बताती है रूल्स की, जो पेटिशनर की सर्विसेज है वो इंक्लूड होंगी एज पर द रूल्स, जो कि क्वालिफाइंग सर्विसेज के दायरे में आती है फॉर द पेंशन। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई गेन सेइंग नहीं है कि पेटिशनर, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ द पेटिशनर था वो कभी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं थी, मीन्स अडॉक थी लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं थी, और ना ही वो किसी फिक्स सैलरी पे थी। अडॉक में और कॉन्ट्रेक्चुअल में डिफरेंस होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज वो फिक्स सैलरी पे आती है, और चूंकि अब वो अडॉक सर्विसेज पे थे तो इसलिए वो फिक्स सैलरी पे भी नहीं थे। अब रिस्पोंडेंट जो है, जो जिस जहाँ काम कर रहे, पेटिशनर जहाँ काम कर रहे थे वो एक ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट था, और सैलरी जो है पेटिशनर की वो ग्रांट इन एड कोर्ट से आती थी। तो पेटिशनर को साथ में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पे कमीशन के भी बेनिफिट्स मिले थे टाइम टू टाइम। अब रूल 26 के बारे में बताया उन्होंने माननीय कोर्ट ने। रूल 26 के बारे में सब रूल्स पार्ट 1 ये कहता है कि सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है क्वालिफाई नहीं होगी अनलेस उनकी जो ड्यूटी और पे अलाउंसेस हैं जो रेगुलेट किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट और एनी अदर कंडीशन जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। अब पार्ट 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो पार्ट 2 ये कहता है 26 सब पार्ट 2 की जो पर्पस ऑफ द सब रूल पार्ट 1 जो है, एक्सप्रेशन यहाँ सर्विस का मतलब ये है कि सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट के अंदर हो और पेड बाय द गवर्नमेंट हो, मींस गवर्नमेंट के अंदर हो और गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट की जाती हो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो सरकारी जो खजाना है कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट का, वहां से अगर सैलरी मिल दी जा रही है, पेमेंट दी जा रही है सर्विसेज जो एम्प्लॉय करता है, तो वो सब पार्ट 2 के अंदर कवर्ड होती है। इसलिए पेटिशनर को ग्रांट से दी पेमेंट मिलती थी ग्रांट से, तो इसलिए नॉन क्वालिफिकेशन जो होना कि रूल 26 के अंदर वो अराइजेस नहीं होता इस केस में। और 39 के बारे में जो है वो गवर्नमेंट के प्लीडर ने बताया, तो इसलिए कोर्ट ने उस चीज को मैं पाया कि इसमें कोई मतलब वो मैरिट नहीं है उस रूल 39 के अंदर, क्योंकि पेटिशनर के अंदर कोई डेबिलिटी नहीं आती है कि एक तो पेटिशनर जो है फुल टाइम ड्यूटी पे थे, वो कभी पार्ट टाइम पे नहीं थे, और पेटिशनर का जो केस है वो अडॉक सर लेक्चरर पे आते हैं, और जो कि डायरेक्टली कवर्ड होता है रूल 25 ऑफ दी रूल्स जो ऊपर डिस्कस किए हैं उस रूल्स के अंदर कवर्ड होता है, इसलिए सर्विसेज जो है वो पेंशनेबल है। और फिर जजमेंट आई थी विनोद भाई शिव राम भाई राठौड़ वर्सेस गुजरात एंड अदर्स, ये उससे रिलेटेड थी कि अगर स्टेट फेल हो जाती है पोस्ट क्रिएट करने के लिए, तो एम्प्लॉयज अगर कई सालों से काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज को सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इनएक्शन है वो गवर्नमेंट की साइड से, तो ये जजमेंट का उन्होंने रेफरेंस दिया। अब यहाँ पर सारे जजमेंट देखते हुए बताया कोर्ट ने कि जो पटिशनर थे वो कंटिन्यूसली काम कर रहे थे एज एन अडॉक फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर, लेकिन जो पटिशनर की जो पोस्ट थी वो नीड पे थी, रिस्पॉन्डेंट की रिक्वायरमेंट पे थी, और पेटिशनर ने अपनी ड्यूटीज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में डिस्चार्ज की हैं, और जब पेटिशनर ने
अपनी जो क्लेम ऑफ पेंशन है वो फॉल करता है रूल 25 के अंदर, और पेटिशनर के पास क्वालिफाइंग सर्विसेज भी हैं, और कंटेंशन थी कि पोस्ट सेंक्शन नहीं थी, तो ऐसे में ये इम्पीड नहीं कर सकता कि पेटिशनर को बेनिफिट्स ना दिए जाए। तो इसलिए पेटिशनर ने कंप्लीट 33 सर्विसेज कंप्लीट कर दी थी, और वो उनको सारे सर्विसेज में ही उनको एज एन अडॉप्टेड लेक्चरर ट्रीट किया गया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि 33 ईयर्स जो है वो काफ़ी लंबा टाइम है, और इतना पर्याप्त नहीं है कि उसको कि ट्रीट इट एज नॉट टू बी एडुकेट, इज टू लॉन्ग नॉट टू बी एडुकेट, मीन्स टू इतना लंबा समय है कि उसे एडुकेट मानना पड़ेगा एज ए पेंशनेबल सर्विस पे। इसलिए रूल 25 जो है वो डिस्क्राइब करता है क्वालिफाइंग सर्विसेज को, चाहे वो टेम्प्रेरी हो, इंटरप्टेड हो, या कंटिन्यूस हो, और पेटिशनर ने पेंशनेबल इंस्टीट्यूट पे सेवा दी है, तो इसलिए सर्विसेज जो है वो कुड नॉट हैव बीन ट्रीटेड एज एंड रेंडर्ड एज नॉट क्वालिफाइड, मीन्स कुड नॉट करके नॉट क्वालिफाइड, मीन्स ये इनकी जो सर्विसेज है वो ट्रीटेड होंगी एज ए क्वालिफाइड टू बी अ पेंशनेबल। तो इसलिए ऊपर की डिस्कशन देने के बाद तो जो डिनाइल किया गया था पेटिशनर को कि वो पेंशन नहीं मिलेगी, ना ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो सस्टेनेबल नहीं है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो अडॉप एम्प्लॉय है। इसलिए पेटिशनर ने सर्व किया है अडॉप बेसिस पे, अब उसको उनको डिसएंटाइटल नहीं किया जा सकता कि वो पेंशन उनको ना दी जाए, और या फिर पेंशन बेनिफिट्स ना दिए जाए, तो इसलिए इस ग्राउंड पे पेटिशनर को अलाउ कर दिया और डायरेक्शन दी कि वो कैलकुलेट करें जो पेंशन बनता है उनका। और ये जजमेंट आई थी, और ये एक गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट थी 7/5/2019 को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आप समझ और भी बेहतरीन वीडियोज बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।